प्रणवचा जो दिशा मुशे कवाना गणवचा जो दिशा वंदिते जयासा त्रिभुवनी ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती अग्र पूजा जाचे नाम विघ्नहर अग्र पूजा जाचे नाम विघ्नहर साले बरोबर स्वामी पूरे ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती चिदंबर धनी असे त्रैलोक्यासा चिदंबर धनी असे त्रैलोक्यासा छबीन जयाच सोमवारी ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती दास मणे स्वारी निघे आनंदे दास मणे स्वारी निघे आनंदे महिमा तो वेदाशी न वर्णावे ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज हरे बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय। जय चिदंबर। सभी अमृत आत्मा चिदंबर स्वरूप सभी भक्तों को नमन करते हुए आज का सत्संग का जो अवसर मिला है मैं तो कहता हूं जगतगुरु संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज जी का लिखित ये जो अभंग है जो अभंग वाणी है चिदंबर महास्वामी के आज्ञानुसार राजाराम महाराज ने अभंग लिखा है। राजाराम महाराज जी कहते हैं निमित्त दासांचे शब्द हे सखोल बोलविता बोल चिदंबर। महाराज बता रहे हैं कि जो स्वामी ने बताया वही मैंने अभंग लिखा है। ऐसा प्रासादिक वाणी का निरूपण करना पारायण करना श्रवण करना ये तो अनंत जन्म का पुण्य है। ये जो अभंग सत्संग ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आना ही बहुत जन्म का पुण्य है क्योंकि तो भगवान का प्रासादिक वाणी सुनना श्रवण करना बहुत दुर्लभ है। हम सभी लोग चिदंबर स्वामी के कृपा पात्र है। वे राजाराम महाराज कहते हैं कि चिदंबरा जेवा होए कृपावंत आदि प्यासी देत सत्संगति। स्वामी ने हमें कृपा किया है स्वामी हमें इस मार्ग में अपने सांप्रदाय में लेकर आया है। यह चिदंबर कृपा का चिन्ह है।
दासमणे जगी दुर्लभ तो संत भेटवी भगवंत चिदंबर, ऐसा संतों का संग मिला है और सत्य अभंग वाणी का जो पारायण श्रवण करने का निरूपण करने का अवसर हम सभी लोगों को जो मिल रहा है ये अहो भाग्य है। और चिदंबर महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हरिहर ब्रह्मादि वंदित है, साक्षात राम और कृष्ण ही चिदंबर। संत माता विठाबाई कहती है नरसिंह राम कृष्ण पांडुरंग चिदंबर, चिदंबर मूल है वह चिदंबर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म शक्ति है। वही शक्ति आज समयानुसार वही देह वेश बदल रहा है। माता अभंग में कहती है राम कृष्ण अवतार तो ची आता चिदंबर गरीब सोंग तो धरीला विठल हो तो ची आला राम कृष्ण अवतार रजनी म्यूट ಮಾಡ್ರಿ ರಜನಿ ಅವರೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕದ सभी भक्तों से मेरा विनंती है कि अभंग सत्संग में जो भी भाग लेता है पूरा उनका ध्यान सत्संग में रहे, सिर्फ अभंग सत्संग में अपना लॉगिन करके फिर दुनिया में अपना लौकिक डिस्कशन करना या कहीं और ध्यान रखना ऐसा लोग लॉगिन नहीं करें तो अच्छा है। क्योंकि क्या होता है सत्संग में विघ्न आता है, जाने तो लॉगिन होने के बाद पूरा लक्ष्य आपका सत्संग पे रहे, क्योंकि जैसे ही अनम्यूट हो जाता है तो कई लोगों को विघ्न आ जाता है। ये केवल मैं हिंदी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कन्नड़ के लिए भी कई बार लोग अनम्यूट हो जाते हैं और अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं, इससे बहुत तकलीफ होता है। ये मेरा प्रार्थना है विनंती है सभी लोगों से। तो माता कह रही है कि रामकृष्ण अवतार तोच आका चिदंबर गरीब सोंग तो धरिला विठल हो तोच आला विठल राई रघुमाई चिदंबर सावित्री सरस्वती आई राम कृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर नाम देव राजा राम ऐसे धरो निया नाम नाम देव राजा राम ऐसे धरो निया नाम ऐसे धरो निया नाम राम कृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर विठा बाई सांगते खूण आण वाहुनिया जान राम कृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर। संत माता विठाबाई साक्षात जनाबाई के अवतार है, वो कह रहे कि राम कृष्ण अवतार
साक्षात पांडुरंग ही आज जो गरीब ब्राह्मण कह के अपना लीलाएं जो कर रहे महास्वामी, वो साक्षात कृष्ण अवतार है, साक्षात पांडुरंग अवतार है। मैं आण वाहुनिया जान, तो मैं आण, तो मैं वो कह रहे हैं पिठाबाई के, मैं शपथ ले रही हूं कि ये पांडुरंग ही चिदंबर, कृष्ण ही चिदंबर है, और साक्षात नामदेव महाराज ही राजाराम बनकर आए हैं, राई रकुमाई सरस्वती सावित्री आई बनकर आए हैं। ये मैंने खुद अनुभव से कह रही हूं, ऐसा माता विठाबाई कह रही है। लेकिन हमारे जो मन में है, विशेष कर महाराष्ट्र के जो चिदंबर भक्त है, बन रहे हैं भक्त, उनको ऐसा लग सकता है कि राजाराम महाराज तो स्वामी के भक्त है, संत माता विठाबाई तो चिदंबर भक्त है, वो तो कहेंगे ही है। लेकिन हमें ये बताएं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या बोला है चिदंबर के बारे में, पैठण के नाथ महाराज का क्या अभिप्राय है, महाराष्ट्र के संतों का और चिदंबर का क्या संबंध है। कई बार ऐसा संबंध भी आए हैं, काशी में जब ज्ञानेश्वर महाराज का एक ऐसा घटना हुआ है जहां पर उनके शाप के वजह से चिदंबर अवतार में वेणुबाई का कथा हम सब लोग जानते हैं, वो तो छोड़िए, प्रत्यक्ष जब संत माता विठाबाई आणंदी में ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि पर जाकर अपना संशय का निवारण करने के लिए ज्ञानेश्वर माउली का जो धावा किया, बुलाया और बोला कि मुझे बताइए चिदंबर कभी प्रकट होंगे, स्वामी पांडुरंग जैसा उनका वैभव कभी होगा, ऐसा जब भी माउली को बुलाया तभी माउली समाधि से बाहर आकर चिदंबर अवतार अभी गुप्त है, आगे फिर जब स्वामी का अवतार प्रकट होगा तभी मैं इसी समाधि से चिदंबर नाम गर्जन करते हुए बाहर आऊंगा, ताल वीणा मृदंग लेकर तभी तीनों लोक में चिदंबर नाम का डंका बजेगा, ऐसा माउली ने प्रत्यक्ष बताया है। तो वही चिदंबर ही कृष्ण है, ये बात पैठण के नाथ महाराज, एक नाथ महाराज जो विष्णु अवतार है, वह भी चिदंबर कृष्ण अवतार है, ऐसा पैठण में आए हुए श्रीधर बाबा जिन्हें कृष्ण का दर्शन लेने का बहुत इच्छा रहता है, वो अपना तप उधर पैठण में एकनाथ महाराज के समाधि के सानिध्य में वो अपना तप प्रारंभ करते हैं, तभी एकनाथ महाराज उन्हें क्या उत्तर दिया है कृष्ण का दर्शन के लिए, वह क्या कहते हैं, आज का वही आख्यान है। क्योंकि आज की कथा में चिदंबर और कृष्ण वेश अलग है लेकिन शक्ति एक ही है, देह एक ही है, उसका अनुभव लेने का आज का कथा है। सीधा कथा राजाराम महाराज का अभंग वाणी से हम जानेंगे। एक नाथा पासी क्षेत्र पैठनासी ब्राह्मण उपवासी बैतलासी, चार वर्ष ते थे करी अनुष्ठान क्यासी धाला स्वप्न एक नाथा चे, कृष्णा चे दर्शन वावे तो मजसी मनुनि उपवासी बैसलासे दासमणे स्वप्नी एवनियानाथ जावे तू आते थे कर्नाटक, कहां पैठण और कहां स्वामी कर्नाटक, स्वामी का अवतार का समय का ये घटना है, कृष्ण का दर्शन मुझे चाहिए, ऐसा तीव्र इच्छा लेकर चार साल का तपस अनुष्ठान किया है श्रीधर बाबा, उस ब्राह्मण का नाम है श्रीधर बाबा, पैठण में नाथ महाराज के समाधि के पास उपवास अनुष्ठान चार साल का हुआ है, और चार साल का जैसा ही तपस पूरा हो जाता है, नाथ महाराज श्रीधर बाबा को दृष्टांत दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए ना, तू कर्नाटक जा,
कर्नाटक में चिदंबर अवतार हुआ है, रामकृष्ण अवतार तो आता चिदंबर, साक्षात कृष्ण ही चिदंबर बनकर आए हैं। राधाराम महाराज के अभंग में भगवान कृष्ण परमात्मा देवकी और वसुदेव को बताया हुआ अभंग आता है, शतवर्ष बाकी असता कृष्णा सी नौकर जाने से पराकेले, कृष्ण सा अंगी तले तेवेड़ी उत्तर कलिव्य अवतार घेणे आमा, दीक्षितांचे कुली वैदिक ब्राह्मण शतवर्ष पूर्ण करूते थे व्यासोक्त पुराण, व्यासाचे उत्तर तोचे चिदंबर दास मणे। साक्षात कृष्ण ही चिदंबर रूप में कर्नाटक में अभी प्रत्यक्ष अवतार लिया है और प्रत्यक्ष कृष्ण का दर्शन तुझे हो जाएगा, तू कर्नाटक को जा, ऐसा एकनाथ महाराज श्रीधर बाबा को दृष्टांत में बता रहे हैं। कर्नाटक देशी चिदंबर नामेशी कृष्ण चिदंबरासी वेदन से देते तू आ जावे प्रत्यक्ष पहावे हेतु निया जावे झड़करी, चिदंबरा से गरीब ब्राह्मण काय तरी स्वप्न माझे देवा, ये थे च बावावे दर्शन मजसी मनोनी तेते च राहिला से, दास मणे ऐसे विकल्पी ब्राह्मण अनुष्ठान का आरंभिला। नाथ महाराज स्वप्न में बता रहे हैं तू कर्नाटक चले जा, उधर साक्षात कृष्ण भगवान ही चिदंबर नाम से अवतार लिया है और दोनों में भेद नहीं है। कृष्ण चिदंबरासी भेदन से तू उधर जा, अभी तुरंत इधर से निकल तुझे कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तो ये श्रीधर बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण बोल रहे हैं चिदंबर को, वो तो गरीब ब्राह्मण है, उसके पास मुझे क्यों भेज रहे, मुझे इधर ही इसी जगह पर कृष्ण का दर्शन चाहिए, ऐसा बोलकर वो फिर से अनुष्ठान प्रारंभ किया। जैसे अनुष्ठान प्रारंभ किया, नाथ महाराज उनके समाधि के पुजारी के स्वप्न में जाकर बोल रहे कि ये कृष्ण और चिदंबर का भेद कर रहा है, इसे समाधि मंदिर से बाहर डालिए, इसे इधर एक क्षण भी रहने का परवानगी नहीं है, ऐसा नाथ महाराज कह रहे पुजारी को स्वप्न में। तातानी हो सांगे पुजारी से जान घाला वे ब्राह्मण दौड़ो निया, दूसरे दिवसी विप्राला समाधि सी पुजारी मन तो यू नका अमा आज्ञा ऐसी, दौड़ुनी हो घाला मणुनी हो जावा झड़ करी ब्राह्मण हो खिन्न हो नियामनी आला परतोनी स्वामी जवड़ी, दास मणे स्वामी कुशगल माझारी आला झड़ करी ब्राह्मण तो। जैसे पुजारी को स्वप्न दृष्टांत हो गया नाथ महाराज का, वो श्रीधर बाबा को स्पष्ट बोल रहे कि आप इधर क्षणभर भी आपको रहने के लिए इजाजत नहीं है, नाथ महाराज का मुझे आज्ञा हो गया है कि आपको इधर अंदर छोड़ने का नहीं है, आप समाधि के अंदर आ भी नहीं सकते, ऐसा मुझे आज्ञा हुआ है, इसलिए आप इधर से तुरंत नाथ महाराज के आज्ञा अनुसार आप कर्नाटक जाइए, ऐसा वहां के पुजारी श्रीधर बाबा को बताया। और श्रीधर बाबा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, नाथ महाराज का आज्ञा पालन करना है, ऐसा विचार करके ब्राह्मण हो खिन्न हो नियामनि आला परतोनी स्वामी जवड़ी, मन में एक दुविधा के साथ एकनाथ महाराज के आज्ञा प्रमाण ब्राह्मण कर्नाटक आकर, स्वामी उस वक्त कुशगलपुर में थे, कुशगल गांव में कर्नाटक में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चिदंबर अपने लीलाओं को प्रकट करके भक्ति मार्ग और धर्म रक्षण के लिए अपना अवतार लीला कर रहे थे, उसी वक्त कुशगलपुर में जब स्वामी थे, ये श्रीधर बाबा ब्राह्मण स्वामी के पास आए हैं। थे वो निया विचार तो करी वैसे महाद्वारा सी ब्राह्मण तो, स्वामी नी हो एक शिष्य पाठवोनी आनिले बोलावनी ब्राह्मणा सी, क्योंकि मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, नाथ महाराज ने बताया इसलिए श्रीधर बाबा इधर आए।
और जैसे ही कुशवलपुर पहुंचे उधर महाद्वार में, स्वामी जिस वाड़ा में थे उस वाड़ा के महाद्वार में बैठ गए। उसी वक्त परब्रह्म परमात्मा चिदंबर स्वामी अपने शिष्य को भेज रहे और बोल रहे कि महाद्वार में जो ब्राह्मण बैठा है उसे बुलाइए। ब्राह्मणों आला स्वामी के समोर। श्रीधर बाबा जैसे ही चिदंबर स्वामी के सामने आकर खड़ा हो गया, उसी वक्त स्वामी जी से थोर कृष्ण रूप प्रत्यक्ष हो नहीं श्री कृष्ण भगवान सांगे अभय दान ब्राह्मणासी। उधर चिदंबर स्वामी गरीब ब्राह्मण के रूप में नहीं है, साक्षात किरीटधारी मुरलीधर गोपाल गोविंद श्री कृष्ण भगवान पीतांबर वनमाली कृष्ण भगवान थोर कृष्ण रूप बहुत बड़े स्वरूप में स्वामी खड़े और श्रीधर बाबा को कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान सांगे अभय दान ब्राह्मणासी। श्रीधर बाबा को अभय से अभय देकर बोल रहे हैं कि मीच अवतरी लो चिदंबर रूपे कैसे तुझे भ्रांति दूरी न हो मनो न्या झाले चिदंबर रूप ब्राह्मण स्वरूप झाला जान स्वामी मणे तेव्हा नाथासी की सोडूनी मनुष्या पासी कैसे आला। जैसे कृष्ण भगवान ने श्रीधर बाबा के सारे संशयात्मक विचारों का निवारण किया, परिपूर्ण प्रत्यक्ष थोर कृष्ण रूप जब दिख गया स्वामी का दर्शन हो गया श्रीधर बाबा को, और कृष्ण भगवान अपने शब्दों से कह रहे कि मीच अवतर ले चिदंबर रूपे, साक्षात कृष्ण भगवान का वचन है, कैसे तुझे भ्रांति दूरी न हो, तेरा भ्रांति क्यों दूर नहीं हो रहा है। फिर बाद में वैदिक नंदन चिदंबर महास्वामी अपने कृष्ण भगवान जब चिदंबर रूप में आकर ब्राह्मण स्वरूप में खड़े हो गए, तभी स्वामी श्रीधर बाबा से कह रहे स्वामी मणे ते वहां नाता सी सोड़नी मनुष्य आपसी कैसे आला। बोल रहे के महान संत एकनाथ महाराज को छोड़कर मेरे जैसे गरीब मानुष के पास क्यों आए आप, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। तो जैसे स्वामी का ये वचन सुनकर श्रीधर बाबा को बहुत पश्चाताप हो गया। दास मणे ऐसे आइकोनिया उत्तर घाबर ला पार ब्राह्मण को जाना, बहुत आश्चर्य हो गया और घबरा गया कि मैं कैसा पापी हूं, मैं इस तरह का संशय क्यों लिया, नाथ महाराज के वचनों का भी मैंने विश्वास नहीं किया। शांत ब्रह्म महान संत एकनाथ महाराज ने जो स्वप्न में बताया था कि कृष्ण और चिदंबर में भेद नहीं है, फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया। बहुत पश्चाताप भाव से स्वामी को शरण हो रहे। ब्राह्मण तो मणे पूर्ण ब्रह्म कृष्ण ओढ़खिला पूर्ण चिदंबरा प्रदक्षिणा गाली ब्राह्मण तो जान रड़े आक्रंदोनी बहुत मगर अन्यायी मी खरे स्वामी चिदंबरा मनु न्यारडे स्वामी पुड़े दास मणे विप्र प्रस्तावला पार न सोड़ी ईश्वर पाए तुझे। बहुत ही पश्चाताप भाव हो गया और आंखों से आनंद आंसू बहने लगा। मैं अन्यायी हूं, मैं पापी हूं, भगवान चिदंबर आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, आप ही श्री कृष्ण भगवान है, पूरा खिलो पूर्ण चिदंबर आपको मैं पूरी तरह से पहचान लिया हूं, अभी पूरा श्रद्धा भक्ति और विश्वास से आप ही मेरे मुरलीधर कृष्ण है। ऐसा भाव से आंखों में आंसू बह रहा है और चिदंबर स्वामी का प्रदक्षिणा कर रहा है और चिदंबर महास्वामी के चरण कमलों को घट मुट धारण करके बोल रहा है कि मैं अभी आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं। बहुत ही पश्चाताप भाव से वो बोल रहा है दास मणे विप्र प्रस्तावला पार न सोड़ी ईश्वर पाए तुझे। चिदंबर आहे ची देई तुझा न मागे मी काही
मन जाय माझे जेते तुझ रूप दिसे तेथे जेते ठेवी तो मस्तक वावा तुझे पाय देख श्वास वाया जाऊ नये चिदंबरा सोडू नये दास म्हणे चिदंबर इतके द्यावे विश्वंभर चिदंबर महास्वामी से वो मांग रहा है श्रीधर बाबा जो पैठण से आया था स्वामी के दर्शन के लिए कुशगल्लपुर में स्वामी का वास था मांग रहा है कि मुझे तेरे चरणों के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए चिदंबरा हेची दे तुझे न मांगे मी काही देखो संत माता विठाबाई संत राजाराम महाराज भगवान से एक ही मांगा है चरण और नामस्मरण संत माता विठाबाई कहते अभंग में चरण धरा आधीन चिदंबर चरण धरा प्रभु जी काहो राहिल तुमी जान हो काय पाहता तुमी सर्व हो नका विचारू मनी चिदंबर चरण धरा आदि विठाबाई विश्वासुनी चरणी माझे चुकले जन्म मरण मनुनि सांगते आदि चिदंबर चरण धरा आदि चिदंबर नाम मनारे तो चरण और नामस्मरण इतना ही बताया है कई अभंगों में यही बात श्रीधर बाबा मांग रहे मां स्वामी से मेरा मन जहां पर भी जाए वहां पर तुझा तेरा ही रूप मुझे दिखे जहां पर भी मैं मस्तक रखूंगा उधर आपके चरण रहे वावा तुझे पाए देख श्वास वाया जाऊ नहीं चिदंबरा छोड़ू नहीं मेरा एक एक श्वास में भी तेरा नामस्मरण होना चाहिए और मेरा एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए ऐसा ऐसा स्वामी से प्रार्थना कर रहे श्रीधर बाबा स्वामी राया मग सांगे ब्राह्मणा सी जावे तू ठाया सी परतोनी ब्राह्मण तो मणे पाए तुझे स्वामी सोडुनिया आमी जाऊ कैसे न सोड़ी मी स्वामी तुझे पाए धोनी भी कैसे तुम्हें जावा मला जैसे स्वामी से भक्ति मांग रहा था चरण का धारण और नामस्मरण का मांगनी जब श्रीधर बाबा ने स्वामी के पास रखा और स्वामी ने तुरंत निरोप दिया और बोला आपको कृष्ण का दर्शन चाहिए था ना कृष्ण दर्शन हो गया आप अभी अपने गांव को प्रस्थान कीजिए ऐसा महास्वामी श्रीधर बाबा को आज्ञा कर रहे हैं स्वामी राया मगर सांगे ब्राह्मणा सी जावे तू ठाया सी परतोनी अपने गांव आप प्रवास प्रारंभ कीजिए लेकिन श्रीधर बाबा कह रहे कि आपके चरण छोड़कर मैं कहां जाऊं किधर जाऊं छोड़ोनिया में जाऊ कैसे मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा मुझे इतना भिक्षा दीजिए कि आपका चरण का स्मरण सदा मुझे मिलना चाहिए न सोड़ी मी स्वामी तुझे पाए धोनी भी कहते तुम्हें जावा मला दौड़ू रखो मला पापी मनोनिया भांडवाल स्वामी जावे माझे दास मणे ते पाहुनिया देख स्वामी निया देख सांगता थी ऐसा श्रीधर बाबा बहुत प्रार्थना कर रहे महास्वामी से कि आप मुझे निरोप मत कीजिए मैं आपका चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मुझे मैं पापी हूँ ऐसा समझकर मुझे बाहर मत डालिए स्वामी ऐसा परोपरी स्वामी से प्रार्थना कर रहे भक्ताला गया से माझे अभयदान जावे तू आ जान पैठणासी पैठणासी जावे एकाग्र करावे नाम ते धरावे अंतरी बार संशय हो जावे विचार सांडावे पश्चातापवावे विषयावरी भक्ति भी न जाना माझे रूप न होए दर्शन कल्पांति बा दास मणे दे तो दर्शन निरंतर जावे तू अंतर शोधोनिया महास्वामी श्रीधर बाबा को ऐसा अभय दिया है कि कोई चिंता नहीं तू अपने गांव लौट जाओ और वहां पर जब भी मेरा चिंतन करोगे जब भी मेरा नामस्मरण करोगे तो मुझे उधर मैं तुझे दर्शन दूंगा ऐसा महास्वामी ने अभय दिया और बोला कि मन में संशय सब निकाल कर बाहर फेंक दीजिए मन के विचार जो कल्पनाएं हैं सब सांडावे बोले तो सब निकाल कर
बाहर फेंकना चाहिए। पश्चाताप वाहवे विषयावरी भक्तिण जाने माझे रूप न होए दर्शन कल्पांतिवा। जो भी हमारा इंद्रियों का सुख है, विषय सुख है, उस सुख का जो आशा रहता है उस सभी को निकालकर बाहर फेंके और उस विषय सुख का पश्चाताप भाव हमको होना चाहिए। ये बहुत महत्व का बात है, ये बहुत बड़ा तत्व है। जब तक हमारा अहंकार नहीं जाता है, जब तक हम सर्व संपूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में नहीं करते, तब तक भगवान का दर्शन होना बहुत मुश्किल है। राजाराम महाराज इस संबंध में बता रहे हैं कि न होए दर्शन कल्पांतिवा, कल्पांत तक दर्शन नहीं होगा। तो जो संत माता विठाबाई कहती है कि पश्चाताप भाव ही हमारा भक्ति का फाउंडेशन आया है। अरे किस बात का पश्चाताप करना है मुझे? मैंने क्या किया है? मैं तो अपना जिंदगी में हूं, लेकिन तेरा जन्म, तेरा जो परमार्थ है, भगवत प्राप्ति का जो मनुष्य जन्म है, उसे भूलकर विषय सुख में डूब गया है। तो इससे बड़ा अपराध क्या है? इस अपराध जो तूने किया है और भगवान को भूल गया है, इस बात का पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप भावे विषयावरी। आज हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन क्या हम अपना अहंकार शून्य किया है? क्या हमारा सब कुछ हम भगवान के चरणों में समर्पण किया है? जो भगवान की कृपा से मिला हुआ ये देह है, ये जो जन्म हमको मनुष्य का मिला है, भगवान की इच्छा और कृपा से मिला है, क्या उसे हम भगवान को समर्पण किया है? क्या भगवान को आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपका बिल्डिंग नहीं चाहिए, आपका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, आपका सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए? भगवान को केवल आपका मन चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए, भगवान को भगवान नामस्मरण चाहिए। वही बात महास्वामी श्रीधर बाबा को इधर बता रहे हैं। क्या क्या बताया है? पैठणासी जावे एकाग्र करावे, पैठण को जाओ उधर एकाग्र चित्त से, स्थिर मन से मेरा स्मरण कर, नामते धरावे अंतरीबा। एकाग्र धरावे, राजाराम महाराज अभंग में बताते हैं कि थके हाथल पाव नाही सुख देही, काया हो रही क्षीण चिदंबरा, स्थिर करो मेरे मन चिदंबरा, स्थिर करो मेरे मन। भगवान कह रहे कि एकाग्र चित्त, मन स्थिर करके और मन स्थिर, चिदंबर महास्वामी ने जब आज्ञा दिया है तो उन्हीं के कृपा से मन स्थिर हो रहा है। और बोल रहे स्थिर मन जब हो गया, देह शुद्ध हो गया, देह शुद्ध देह से नामते धरावे अंतरी बा, अंतरी नामस्मरण, अंतरंग का नामस्मरण, अंतकरण का नामस्मरण, जिसे विदेह स्थिति नामस्मरण कहते हैं, जिसे सूक्ष्म देह नामस्मरण कहते हैं। महाराज अभंग में बोलते हैं कि जाओ राहो देह अस कोठे तरी, नाम है अंतरी दृढ़ राहो। ये अंतरंग का नामस्मरण, संत संगे अंतरंगे नाम उच्चारो, चिदंबर नाम उच्चारो, जिकड़े पाहु तिकड़े अवगा चिदंबर गुरु। ऐसा जो अंतरंग का नामस्मरण करने के लिए महास्वामी श्रीधर बाबा को बता रहे,
एक तो मन को स्थिर करो, चित्त को एकाग्र करो और नामते धरावे अंतरीबा। और ये सब करते हुए आपका जो भी संशय है, विचार है, सब सांडावे, सब निकाल के बाहर फेंक दीजिए। नूरोहे सुनाई दे रहे हैं क्या दादा? हाँ नहीं, आवाज नहीं आ रहा है गुरु जी, सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहे, कुछ रेंज का प्रॉब्लम है जाए शायद। जय चिदंबर। हाँ, उनको पता भी नहीं चलेगा शायद। भक्ति वीणा जाना माचे गुरु जी, थोड़ा बीच बीच में रेंज कम होता है तो जरा थोड़ा खिड़की के पास करीब आना पड़ेगा। जय चिदंबर। ऐसा क्या अभी क्लियर है? हाँ अभी तो आ रहा है लेकिन बीच में एकदम से गायब ही हो गया था आवाज। हाँ जय चिदंबर, अभी क्लियर है क्या? परफेक्ट परफेक्ट जय चिदंबर। तो ये अभंग में हम लोग ध्यान से क्या सुनना है, महास्वामी ने श्रीधर बाबा को जब निरोप दिया है गांव जाने के लिए, क्या क्या महास्वामी ने श्रीधर बाबा को बताया है, वो एक एक करके हमको ध्यान से इधर हमें श्रवण करना है। तो एक मन को स्थिर करना है और नामस्मरण अंतरंग में करना है, सारे संशय कल्पनाएं विचारों को निकाल कर बाहर फेंकना है, पश्चाताप वावे विषयावरी। ये सब करने के बाद जो भक्ति आता है, भक्ति वीण जान माझे रूप न हुए दर्शन कल्पांति बाग, जब तू बैठन जाएगा ये सब करेगा तो मैं तुझे दर्शन दूंगा, ऐसा महास्वामी ने भक्ति के बारे में इधर बताया है। कि भक्ति बोले तो अपने आप को भूल कर, अपना अस्तित्व को शून्य बनाकर संपूर्ण चिदंबर भगवान के चरणों में समर्पण होना, वही भक्ति धर स्वामी बता रहे। दास मणि दे तो दर्शन निरंतर, जावे तू अंतर शोधोनिया, मैं तुझे निरंतर दर्शन दूंगा, तू पैठन में रहो जहां पर भी रहो, निरंतर मैं दर्शन दूंगा और तू मुझे अंतरंग में शोधन करके मुझे पहचान। ये सब तत्वों का उल्लेख इधर महास्वामी ने राजाराम महाराज के अभंग में किया है। एक एकाग्र चित और नामस्मरण, अंतरंग का नामस्मरण और सारे संशयों को निकाल के फेंकना, विषयों के ऊपर पश्चाताप भाव, और ये सब करते हुए भक्ति के साथ मेरा नामस्मरण लेना और मेरा दर्शन तुझे हो जाएगा और मुझे अंतरंग में शोध ध्यान से मुझे अंतरंग में मुझे ढूंढो तो मैं मिल जाऊंगा, मैं दर्शन दूंगा, ऐसा स्वामी ने उपदेश किया श्रीधर बाबा। मगतो निगाला पैठना सी जाना स्वामी ते दर्शन ते थे देती, दर्शन हो यावे मस्तक ठेवावे ऐसे होता है त्यासी जाना, अंतरी हो ध्यान एकाग्रते करी चिदंबरावरी कवन युक्त दास मणे ऐसे करीता हो जान आले त्या मरण त्यासी बाप। ऐसे श्रीधर बाबा ने पैठन जाकर चिदंबर नाम में तल्लीन हो गए और जब भी स्वामी का दर्शन का इच्छा वो व्यक्त करते थे और महास्वामी ने दर्शन देते थे। ऐसे कई सालों के बाद श्रीधर बाबा का मरण समय आ गया। चाचे नाव असे श्रीधर हो जान कांता धोगे पुत्र असती त्यासी, मरण काल आला यम जवड़ी आला नाम घोष केला चिदंबर। देखो जब मरण काल आ गया, यमदूत और यम धर्म श्रीधर बाबा को लेने के लिए आए, तो जब श्रीधर बाबा ने चिदंबर नाम का गर्जन किया तो यम ने क्या किया उनको, यमराजा इकोनी चिदंबर नाम वंदितो चरण श्रीधर आते, वंदोनी अर्घ्य पाद्यासी पूजले धन्य मणती जान श्रीधरासी। तो यमधर्म जिनके मस्तक के ऊपर चरण रखकर वैकुंठ को भक्त लोग जाते हैं, वही यमधर्म श्रीधर के नाम मुख से अंत्यकाल में चिदंबर नाम गर्जना जब हुआ तो यमधर्म श्रीधर बाबा के चरणों को नमन कर रहे हैं और वंदन करते हुए अर्घ्य पाद्यादि पूजन कर रहे हैं श्रीधर बाबा का। धन्य मणती जान श्रीधरासी, यमधर्म आज बोल रहे कि धन्य है तुम्हारा जन्म, चिदंबर नाम आपने लिया। ऐसा भी यमधर्म के साथ चल रहा था तो
बीवी बच्चे उधर आकर आंसू बहा रहे। वायको पुत्र सर्व आक्रंदी पार मण तो श्रीधर त्यासी जान रड़ू नको मणे धन द्रव्य माजे दे तो तुम्हा काजे ऐका माजे। तुम्हें काम आने वाला धन द्रव्य मैं देता हूँ, चिंता मत कीजिए, आंसू मत बहाइए, ऐसा श्रीधर बाबा ने कहा। तो बीवी बच्चों को आनंद हो गया, अरे पिताजी ने क्या बचा के रखा होगा, अभी पासबुक देंगे, अभी वो सब एफडी का रिसीट देंगे, अभी हमको सब कुछ बताएंगे, पिन नंबर बताएंगे, सब बताएंगे, ऐसा वो लोग खुशी से सामने आए। तो जैसे ही सामने आया, बीवी बच्चों ने सामने आकर श्रीधर बाबा के पास खड़ा हुआ और विचार कर रहे कि अभी पापा जी हमें क्या देंगे। धन द्रव्य मणता कांता पुत्र सर्व आनंद आने सर्व एति पुड़े। तो श्रीधर बाबा कह रहे, स्वामी पाए धन नाम आसे द्रव्य ख्यावे होगा टोड़े मणत से। जैसे श्रीधर बाबा ने बताया, चिदंबर नाम का धन देता हूं मैं तुम्हें, चिदंबर चरणों का धन मैं देता हूं, इसे गाठोड़े में बांध कर लीजिए, ये मिलने वाला नहीं है, बहुत दुर्लभ वाला धन है। तो जैसा ही श्रीधर बाबा ने ये बात बता दिया तो कांता पुत्र सब तटस्थ हो गए, अरे ये क्या, ये पिताजी ये दे रहे क्या। अच्छा ठीक, दास मणे ऐसे आयको नहीं आ जाना पाती तटस्थ सर्वलोक। जब ऐसा ही ये लोग तटस्थ खड़े हो गए श्रीधर बाबा को इतना वो गुस्से से बता रहे सभी को, लोकासी कांते सी मणे नाम झारे नाही तरी जारे मरुनी मनोनिया सर्व दौड़ुनी घातले चिदम्बरमणता प्राण गेले। जैसे ही वो लोग जो लौकिक धन के लिए वो आगे बढ़े थे, जैसे ही नाम का धन जो शाश्वत धन श्रीधर बाबा देना चाह रहे थे वो उन्हें नहीं मिला और श्रीधर बाबा को गुस्सा आया और सभी को बाहर निकाल दिया और चिदंबर नाम स्मरण करते करते अपना प्राण त्याग दिया। मनोनिया मना नाम चिदंबर नाही तरी पार दुख पुड़े, दास मणे नाम ख्यारे चिदंबर चुकवी हजार जन्म मरण। ऐसा श्रीधर बाबा चिदंबर स्वामी के लोक में मोचे और स्वामी के चरणों उनका सानिध्य उन्हें मिला। संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज कह रहे कि इसीलिए जिन्होंने केवल चिदंबर नाम से यमधर्म ने चरण स्पर्श कर यमधर्म उनका पाद्य पूजन किया है, चिदंबर महास्वामी साक्षात कृष्ण रूप का दर्शन मिला और स्वामी जब भी इच्छा होता था स्वामी ने दर्शन दिया। ऐसा भगवान नाम का जो शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रताप है, ऐसा बहुत बड़ा है, इसलिए हम सदा नामस्मरण करना चाहिए। नहीं तरी पार दुख पुड़े, नहीं तो इस मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा और जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए राजा राम महाराज कह रहे अंतिम चरण में दास मणे नाम घ्यारे चिदंबर जो कभी हेर जार जन्म मरण, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरे शयनम ये संसारे खलुसारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृन करणे। जगत गुरु आचार्य ने जो बताया है, भज गोविंदम नामस्मरण लीजिए, नहीं तो इस जन्म मरण का जो एर झार है, आना आवागमन है, इससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा चिदंबर नाम का महत्व राजाराम महाराज जी ने बताया है। आज का ये आख्यान मैंने इसलिए चुना था क्योंकि महाराष्ट्र के जो महान संत है वो भी चिदंबर स्वामी के अवतार और लीलाओं में किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं चिदंबर स्वामी के बारे में उल्लेख हुआ है और स्वामी को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हरिहर ब्रह्मादि वंदित ऐसे देवातिनी स्वामी तक किंकर समझा, साक्षात परब्रह्म परिपूर्ण कृष्ण परमात्मा के ही अवतार चिदंबर स्वामी है और भविष्य में चिदंबर स्वामी और 50 साल अवतार लेकर आने वाले हैं। भक्त कहार संत माता विठाबाई कई संतों का इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वामी फिर से अवतार लेके आने वाले ये भविष्य पर अभंग में आता है। ऐसे साक्षात कृष्ण ही चिदंबर है और महाराष्ट्र के सभी संतों ने इसे स्वीकारा है, ये बात हम सब लोग समझना चाहिए।
इसलिए आज ये श्रीधर बाबा का आख्यान मैंने चुना है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत तत्वपूर्ण है, भावपूर्ण है। भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा राजाराम महाराज ने इस कथा में बताया चिदंबर स्वामी के वाणी में। ये वांग्मय जो सेवा का अवकाश मुझे मिला है, इस शब्दों को, ये अवकाश हमारे हिंदी सत्संग के संचालक हमारे वैदेव केरी और श्रीकांत ठोमरे और सभी लोगों ने अवकाश दिया है, उन्हें मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सेवा चिदंबर महास्वामी के चरणों में समर्पण करता हूँ। जय चिदंबर। जय चिदंबर। धन्यवाद गुरु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। सब आपका कृपा है, स्वामी का कृपा है। जय चिदंबर। जब कर सकते हैं क्या प्रभाकर काका?